साथ कि आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, फिल्म में आई केमिस्ट्री अच्छी है, पसंद कर रहे हैं दर्शक, कितनी हुई आपकी साहब बीवी और इन्वेस्टर हुआ भी है। इसके अलावा आप किसके साथ और फील करती हैं, कौन एक्टर आपको सबसे बेहतर लगता है कि उनके साथ मुझे काम अभी तक नहीं दिया करना चाहती और बेहतर है आपके साथ लगता है कि केमिस्ट्री दर्शकों को? पहले मैं आपको एक्टर की बात ही बता देती हूँ, फिर मीटू पर आते हैं। मेरी दिली ख्वाहिश है एक तो आमिर खान के साथ काम करने की और एक कमल हसन के साथ काम करने की। मैं कमल हसन जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो वो एक एक्टर है जिनके साथ मैं मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा काम करूँ। बाकी तो रोल अच्छा हो और स्क्रिप्ट अच्छी, मेन तो आई थिंक सब कुछ स्क्रिप्ट ही होता है बेसिकली, डजेंट मैटर कि एक्टर्स कौन है, आपको एटलीस्ट मौका मिलता है औरों के साथ काम करने का। बट आई थिंक जो ये है ये स्टार सबसे बड़े तो आई थिंक राइटर ही स्टार है हमारे इंडस्ट्री में देखा जाए तो, बाकी तो ये है। और मीटू के मामले में ये कहना चाहूँगी कि आई थिंक बहुत अच्छा अभियान जो हुआ है शुरू हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत यू नो गलत किस्म से नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ आई थिंक कुछ लड़कियाँ बदले लेने की भावना से भी शायद आई थिंक मिस यूज़ कर रही हैं इस चीज़ को। मिस यूज़ मत करो, बिकॉज उससे क्या होता है जो असल में बेचारों ने जिन्होंने लड़कियों ने सफ़र किया है तो वो उनका वो सब कम हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट तरीके से उसको फाइट करें। एंड इट्स नॉट ओनली फॉर लेडीज़, मुझे लगता है आदमी भी शिकार होते हैं, ये लोगों को पता नहीं है। आई थिंक आदमी और औरत दोनों ही शिकार होते हैं मीटू मूवमेंट, एंड दोनों के लिए होनी चाहिए बिकॉज दोनों ही सफ़र करते हैं। ऐसा नहीं है बेचारों ने जिन्होंने लड़कियों ने सफ़र किया है तो वो उनका वो सब कम हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट तरीके से उसको फाइट करें। एंड इट्स नॉट ओनली फॉर लेडीज़, मुझे लगता है आदमी भी शिकार होते हैं, ये लोगों को पता नहीं है। आई थिंक आदमी और औरत दोनों ही शिकार होते हैं मीटू मूवमेंट, एंड दोनों के लिए होनी चाहिए बिकॉज दोनों ही सफर करते हैं। तो ये तनुश्री दत्ता का ये स्टैंड जो लिया है इन्होंने इतने साल बाद, इसको क्या मानती हैं? देखो कोई टाइम की लिमिट नहीं होती है, कई बार आपके साथ कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो आप उसी टाइम नहीं बोल सकते हो, आप लाइफ में सिक्योर नहीं होते हो, आपको एक डर होता है यू नो, लेकिन एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि अब राइट टाइम है। अगर उस टाइम भी उन्होंने बोला था, उस टाइम भी 10 साल पहले भी बोला था, लेकिन उस टाइम किसी ने सुना नहीं। लेकिन आई थिंक आज बिकॉज ऑफ मीडिया एंड बिकॉज ऑफ बहुत लोगों की यू नो आजकल बहुत ही सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग का मिजाज ही बदल गया, कंट्री का मिजाज ही बदला वो करना भी चीज। हाँ जी, तो वो आई थिंक हौसला बढ़ा, मीडिया की वजह से हौसला बढ़ा उनका, उन्होंने जी बिल्कुल। तो आई थिंक वो एक अच्छा, अब क्या इफेक्ट हो जाती है करीब है क्योंकि बाराबंकी की पहचान है देवा महादेवा दोनों, एक देवा है सूफी साहब की एक है और महादेवा पौराणिक इतिहास है उसका रामायण का, तो ये दोनों आप विजिट कर सकती हैं वही पारिजात। थोड़ा सा बड़े स्टार है हमारी इंडस्ट्री में देखा जाए तो। और मीटू के मामले में ये कहना चाहूँगी कि आई थिंक बहुत अच्छा अभियान जो हुआ है शुरू हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत यू नो गलत किस्म से नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ आई थिंक कुछ लड़कियाँ बदले ने और लड़के भी एक्सपर्ट हुए हैं, तो वो लोग भी जो निकल कर आ रहे हैं अच्छी बात है कि एटलीस्ट एक डर तो पैदा हो गया कि चलो हम गलत नहीं करेंगे। मैं जी डायरेक्टर, आपको पता है ये सिर्फ बॉलीवुड में क्यों पकड़ा जा रहा है, बॉलीवुड में हाईलाइट क्यों हो रहा है, ये तो हर जगह होता है। आप हॉस्पिटल में चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, हम लोग मीडिया में भी है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, आप लोग आप क्या होता है जो मेन बंदे को पकड़ लेते हैं, मेन जो नोन बंदे को पकड़ते हैं उससे क्या होता है हर लोग देखना चाहते हैं।